हेलो स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट में लास्ट पार्ट में हमने लॉग बेस एएक्स का ग्राफ बनाया था। इस पार्ट में भी हम लॉग एएक्स का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ये जो ग्राफ है वहाँ पर ए जो था आपका ग्रेटर देन वन था, लेकिन यहाँ पर जो ए होगा वो जीरो और वन के बीच में होगा। तो एक बात फिर दोबारा से हम लेकर चलते हैं। अब तो मुझे ये बताओ, जैसे वाई इक्वल टू आपका हम ले लेते हैं y इक्वल टू आपका 2³ है, इक्वल टू 8 है, इक्वल टू 8 है। तो इसके ग्राफ के बारे में आपको मालूम था, जो इसका लॉग है वो लिखा जाता है, बेस में तो 2 ही आता है, ये राइट हैंड साइड पे ये आता है एक्सपोनेंट के, और इधर जो आता है वो एक्सपोनेंट की जो आती है वो पावर आती है, ठीक है। और इसको यदि हमें एक्सपोनेंशियल के रूप में देखना है तो ये जो आर्गुमेंट है इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल होती है एक्सपोनेंट के, और बेस जो होता है बेस के इक्वल ही होता है, और इधर जो रिजल्ट राइट हैंड साइड होती है वो हमारी जो होती है राइट हैंड साइड जो होती है वो पावर के इक्वल होती है। तो ये बात आप लोगों को मालूम है। आज का जो ग्राफ है उसके अंदर जो है हमारा जीरो और वन के बीच में। तो बच्चों, इसको भी हम उसी तरह करते हैं। सबसे पहले आप लोग y इक्वल टू 2 to the power -x का ग्राफ देखो। तो आपने बिल्कुल बच्चों की तरह इसे ग्राफ पेपर पर बना के देखें तो आपको बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। तो x इक्वल टू y, x की जगह जीरो रखा तो ये हमारा कोई भी पावर जीरो होती है तो वो रिजल्ट क्या आता है वन, और वन रखा तो 1/2, 2 रखा तो ये 1/4 आ रहा है, और उसके अलावा यदि माइनस वन रखता हूँ तो माइनस माइनस पॉजिटिव बना देता है तो ये वैल्यू 2 आती है, -2 रखा तो ये वैल्यू 4 आ गई। तो इस ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं, पहले 2 to the power x का ग्राफ इस तरह था, और ये जो ग्राफ है वो आपका इस तरह जा रहा है। ये आपका ग्राफ है वाई इक्वल टू 2 to the power -x का, और ये जो ग्राफ है वाई इक्वल टू 2 to the power x का। तो इसका मतलब ये है कि जब भी f ऑफ माइनस x का ग्राफ बनाना हो तो वो y एक्सिस के थ्रू क्या ले लेता है, रिफ्लेक्शन ले लेता है, ठीक है। तो अब बच्चों हमें जो ग्राफ बनाना है आज, वो ग्राफ जो है लॉग बेस, बेस जो है हमारा 0 और 1 के बीच में है, और उसका ग्राफ बनाना है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो अब आप लोगों को मालूम है कि इसका जो लॉग बेस हाफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ग्राफ जो है हमें एक्स इक्वल टू 2 to the power -y का बनाना है। किसका बनाना है? एक्स इक्वल टू 2 to the power -y का। तो जब ये इस फॉर्म में आ जाता है तो हम ग्राफ बड़ी इजीली बना सकते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट जो है वो x का आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले x है, ये y है, y की जगह हमने 0 पुट किया तो x हमारा 1 आ रहा है, y की जगह 1 पुट किया तो 1/2 आ रहा है, ठीक है। 2 to the power -x का ग्राफ या y इक्वल टू लॉग बेस हाफ x का ग्राफ जो होता है वो एक दूसरे का इन्वर्स भी होता है। यदि इन दोनों फंक्शन को एक दूसरे के अंदर रख देंगे तो इनका जो रिजल्ट है f गो जी या जी गो एफ वो आपका x आने वाला है। तो यहाँ पर जब मैंने 2 रखा तो ये क्या आया, 1/4। देखो ये ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर ये x था ये y था, तो यहाँ पर जो वैल्यू x ले रहा था यहाँ पर वो वैल्यू y ले रहा है। अब इधर मैं y की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो वहाँ से भी देख के आप बता सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आने वाली है 4 आने वाली है, -3 रखूँगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, 8। अब बच्चों इस ग्राफ को मैं प्लॉट कर देता हूँ। हाँ जी, अब आप इस ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ है आपका इस तरह जाएगा, ये ग्राफ जो है आपका इस तरह जाएगा। पहले जो बेस था तो ये ग्राफ है, और ये पॉइंट वही 1,0 होगा, चाहे बेस कुछ भी हो। तो यहाँ पर आप लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू वाई है, और बेस जो है 0 और 1 के बीच में। तो इस तरह आप देख रहे हैं
ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ की और जो पिछला ग्राफ किया था उसके अंदर क्या खासियत है, यहाँ पर भी बच्चों डोमेन जो है जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। तो इसके आर्गुमेंट में जो मैं वैल्यू रख सकता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आने वाली है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारे की सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। और इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और जो पिछले वाला ग्राफ था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और इसका जो रूट है वो क्या है, वन ही है। जैसे पीछे था रूट वन, तो यहाँ पर भी रूट क्या है बच्चों, वन ही है। अब इस ग्राफ के अंदर ये बाउंडेड वाली बात जो है वो है नहीं, कहीं से बाउंडेड नहीं है। और इसका पीरियड के बारे में भी कोई सवाल नहीं उठता कि पीरियड भी इस ग्राफ का नहीं है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है और ये वन वन भी है। जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो वन वन होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। रूट भी पता चल गया इसके, बाउंडेड के भी पता चल गए, और पीरियड भी इसके बारे में पता चल गया। अब बच्चों हमें थोड़ा सा और आगे सोचना है कि कैसे किया जाए और क्या क्या है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि लॉग 1/3x का ग्राफ भी यही होगा, या लॉग 1/e x का ग्राफ भी वही होगा, लेकिन आप इसको ln x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ये 1/e आ गया है। क्या आ गया, 1/e, तो e होता तभी ln लिखा जाता है, इसको नहीं लिखा जा सकता। तो अब इनका ग्राफ किस तरह बनने वाला है उसके बारे में भी अब हम जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीछे हमने आर्गुमेंट बेस के बारे में पढ़ा था, तो 1/2 जो है 1/3 से क्या है, बड़ा है। 1/2 जो है 1/3 से बड़ा है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि लॉग 1/3x का जो ग्राफ बनाना होगा तो वो कैसे जाएगा, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर x=3 to the power -y ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक, यदि एक साइड का मुझे पता चल जाएगा तो दूसरी साइड तो पक्की बात है वो उसके क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू 0 रखी तो वही वैल्यू 1 आएगी, 1 रखी y की वैल्यू तो ये क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। तो अब मैं -1 रखता हूँ तो ये क्या आ रही है, 3 आ रही है। और -2 रखता हूँ तो जो वैल्यू है वो जो आ रही है 9 आ रही है। -3 रखता हूँ तो 27 आ रही है। तो अब आप इसको एनालाइज करो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक पॉइंट तो यही का यही होगा, और जब मैं 1/3 पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू, तो 1/3 पुट करता हूँ तो ये सपोज 1 है, तो ये यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या, वो इधर है, तो वो वैल्यू 1/3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, और यहाँ पर 1/3 की वैल्यू इधर आ रही है तो ये भी 1 आ रही है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ जो है इस तरफ आने वाला है और ये आपका यूं जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी हम चेक कर लिया था, तो इसका लॉग 1/3x का ग्राफ वो जो है वो इस तरह आएगा। अब ये बच्चों ग्राफ हमारे पास इम्पोर्टेंट कैसे हैं, कैसे काम आते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ इनक्वेलिटीज़ हैं, जब हम डोमेन निकालेंगे, जब दो लॉगरिथमिक फंक्शन के बीच में कबड्डी कराएंगे, रेसलिंग कराएंगे, कैसे होता है। अब ये देखो बच्चों x > y है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर कोई बेस e^x ले लेता हूँ, ठीक है, ए जो है हमारा > 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह देख सकते हैं 3 > 2 है, तो यहाँ पर बेस पोस्ट मैंने 2 ले लिया, तो 2 to the power 3, 2 to the power 2, तो साइन चेंज नहीं होता, पहली बात तो आपको याद रखनी है। और इसी तरह x > y है, अब a तो > 0 है लेकिन 0 और 1 के बीच में है, क्या 0 और 1 के बीच में है। तो अब इसको मैं 1/2 जो है 1/3 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर 1/2 जो है 1/3 से बड़ा होता है। तो अब यदि यहाँ पर
मैं ए लेता हूँ तो ये इनक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये इनक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यदि आप 1/2 to the power 2 करो और 1/2 to the power 3 करो तो कौन सा बड़ा आता है, ये हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। तो ये 1/4 और ये क्या है, 1/8। यहाँ पर मैं और अच्छी तरह समझाता हूँ, यहाँ पर सपोज आपका 3 था, ये 2 था, तो 1/2 to the power 3 की और ये 1/2 to the power 2 किया, तो ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये तो आपका पावर का है। अब बच्चे कह रहे हैं सर लॉग के अंदर किस तरह काम करेगा, ये बच्चों एक्स ही ग्रेटर देन वाई, जब भी आप इस तरह करेंगे तो इस ग्राफ को आपने अपने दिमाग के अंदर रखना है, और इसको जब आप दिमाग के अंदर रखेंगे तो अब मैंने लॉग बेस ए एक्स लिया, और यहाँ पर और भी बात क्लियर है कि ये ग्राफ स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो इसकी इनक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेंज नहीं होगी, ठीक है। और यदि ये ए ग्रेटर देन जीरो का केस है, और यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है और वो जीरो और वन के बीच में है, तो तब यदि हम लॉग लेंगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये क्या जाएगा, लॉग बेस ए वाई। तो इस तरह जब हम क्वेश्चंस क्या करेंगे तो उसके अंदर मैं इनक्वालिटी चेंज क्या करूँगा, तो तब आपने मुझे बताना है कि ये चेंज कैसे करनी है, कैसे नहीं। थैंक यू वेरी मच।